साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, लगभग 15 से 20 दिन पहले खालिद भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी थी और उसने अपने 10 माह के पौधों में जो कार्य किए हैं और अब कटिंग और खाद देने के बाद कैसे लग रहे हैं ये मुझे दिखाया था। तो किसान भाइयों, जैसा आप सबको पता है कि जो किसान मुझे वीडियो भेजते हैं उसे मैं एक किसान ऐसा भी सीरीज के अंतर्गत दिखाता हूं। तो आइए देखते हैं खालिद भाई अपने पौधों के बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, चलिए देखिए। किसान भाइयों नमस्कार, ये मेरा 10 माह का प्लांट है। मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ सभी किसान भाइयों के लिए। जैसे कि अनिल कुमार त्यागी सर ने कहा था कि अभी सभी के पौधों में फुटान शुरू हो गई है। ये देखिए, हमने इसकी जब कटिंग की थी तो यहाँ तक की थी, और ये नई जो ब्रांचें निकल रही है इनको आप हाथ के सहारे से ऐसे तोड़ देना चाहिए, नहीं तो दोबारा फिर कटिंग करनी पड़ेगी आपको और वो ज़्यादा काम फैल जाता है। इसीलिए आप इन्हें हल्के हाथ से आप इनको ऐसे आराम से तोड़े, क्योंकि यहाँ पर कांटे होते हैं जहाँ पर ब्रांचें निकल रही हैं, नहीं फुटान है जहाँ वहाँ कांटे हैं। मुझे तो आदत हो गई कांटों की, क्योंकि मैं 25 साल से मधुमक्खी का काम कर रहा हूँ और अब दोबारा ऐसे जो काम किया ये भी नींबू का कांटों का ही कर लिया। मैं तो सब काम बिना ग्लव्स के ही करता हूँ। इन्हें ऐसे आप जहाँ तक मुनासिब समझे वहाँ तक आपको इनको हटा दे, नहीं तो कटिंग करने से पहले ठीक रहेंगी और आपका पेड़ ऊपर के रुक जाएगा। ये देखे, मैं यहाँ से यहाँ तक ये सभी इसकी जो नई फुटान थी उसको हटा चुका हूँ। अब इसकी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगस्त सितंबर में दोबारा से कटिंग करनी चाहिए। और इसकी तुड़ाई के बाद आप एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा से फिर अपने प्लांटों को चेक कर ले, क्योंकि कोई कहीं से दोबारा भी निकल सकती है, आप दोबारा से एक बार चेक ज़रूर करें। ये देखें, ऐसे आप इनको हटाए, ये बड़े मुलायम होती है और आराम से जरा से ही सहारे से ये टूट जाती हैं। मैंने आज अपने इन प्लांटों पे नीम के पत्तों का पानी उबाल कर स्प्रे किया है और एक 15 दिन पहले किया था। ये देखिए, 10 माह के प्लांट हैं और फ्लावरिंग देखें इन पे। मैं सब ये देखे फ्लावरिंग, लेकिन हमें ये फूल हटा देना चाहिए, अभी इनकी उम्र थोड़ी है। हम इनमें हफ्ते 10 दिन में पानी लगाएंगे और फिर 10 दिन बाद पानी लगाएंगे, थोड़ा बहुत फूल रुकेगा उनसे फल रुक जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि फल कैसा है। ये देखे कैसे कलियाँ आ रही हैं। ये देखे किस कदर गुच्छों में फूल आ रहा है, ये देखिए सभी डालियाँ ऐसी है। ये पेड़ देखिए आप, अगर इस पे सब फल रोक दिया जाए तो ये नीचे टूट कर गिर जाएगा। ये देखिए, मैंने अभी इन पे 2 नीम के पत्तों का पानी उबाल कर उनका स्प्रे आज किया है और एक 15 दिन पहले किया था। ये देखिए सभी पौधे
तंदुरुस्त। ये भी देखिए, ये देखिए मैंने ऐसे ही साफ किए हैं यहाँ तक, और ऊपर से भी कोई कोई इसकी ग्रोथ हटाई है। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ हो रहा है, सिर्फ 10 माह का पेड़ है। ये देखिए, ये देखिए फ्लावरिंग, तो किसान भाइयों ऐसे इनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको हटा दे। धन्यवाद, नमस्कार। किसान भाइयों ये थी खालिद भाई द्वारा भेजी गई वीडियो। मैंने ये निश्चय किया है कि जो भी किसान मुझे वीडियो भेजेंगे और हमारे ग्रुप के हैं या कोई अन्य भी हैं, अगर भेजते हैं और वो ये बताते हैं कि वे पौधों में क्या कार्य कर रहे हैं और उनके क्या परिणाम मिले हैं, तो मैं उन्हें अवश्य दिखाऊंगा। पहले भी आपने देखा होगा मैंने खालिद भाई की कई वीडियो भेजी। एक नीतू गोस्वामी जी हैं जो उन्होंने अमरूद पर वीडियो भेजी थी जमशेदपुर से, और एक धर्मेंद्र यादव जी हैं गुरुग्राम से, उन्होंने भेजी थी। तो किसान भाइयों इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग भी ये देखें और इस प्रकार कार्य करें। अगर हमारे बताए गए कार्यों से अच्छे परिणाम मिले हैं तो उन्हें भी साझा करिए, और कुछ गलत हुआ है तो उन्हें भी साझा करिए, जिससे कि दूसरे किसानों को अहित ना हो। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।